आज का टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। सर, ये फूड मटेरियल क्या है? मुझे लगता है कि फूड मटेरियल यानी वह मटेरियल जिससे कोई डिश या फूड आइटम बनता है। लेकिन डिश बनाने के लिए तो जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसका मतलब इंग्रेडिएंट को ही फूड मटेरियल भी कहते हैं। हाँ, इंग्रेडिएंट्स ही फूड मटेरियल है। समझ गई सर। आप लोगों को कल जो टेबल फिल करने के लिए कहा था वह मेरे पास आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी तक इस टेबल में दो कॉलम है, पहला कॉलम फूड आइटम्स के लिए और दूसरा कॉलम फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए। आज इसमें हम एक और कॉलम ऐड करेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि जो फूड मटेरियल है या मैं कहूँ कि फूड इंग्रेडिएंट है उसका सोर्स क्या है। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, मोस्टली फूड का सोर्स तो मार्केट है। मार्केट में जाइए और जो फूड मटेरियल चाहिए ले आइए। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं मेन सोर्स की बात कर रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम एक फूड आइटम देखते हैं, खीर। खीर को बनाने के लिए हमें मिल्क, राइस और शुगर चाहिए, और मिल्क का सोर्स क्या है? मदर डेयरी। नहीं, फिर गलत समझ रहे हो, मदर डेयरी तो सिर्फ दूध बेच रही है, आपको यह बताना है कि वह दूध प्रोड्यूस कौन कर रहा है। काऊ। यस, बफेलो। वेरी गुड, तो काऊ और बफेलो यह सभी क्या है? एनिमल्स। तो मिल्क का सोर्स क्या हो गया? एनिमल। वेरी गुड, इसी तरीके से राइस का सोर्स क्या होगा? सर, मेरे गांव में राइस की खेती होती है, राइस हमें पौधों से मिलता है। गुड, तो हम कह सकते हैं कि राइस का सोर्स प्लांट है। अब बताइए शुगर किससे बनती है? तुम्हारे गांव में शुगर की भी खेती होती है क्या? नहीं, शुगर की खेती मेरे गांव में नहीं होती। सर, मुझे पता है, मेरे बाबा गन्ना उगाते हैं और हर साल उन्हें बेचने के लिए शुगर प्लांट में ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शुगर गन्ने से बनती है। बिल्कुल सही, शुगर गन्ने से ही बनती है। ओह, इसीलिए गन्ने को शुगर केन कहते हैं। यस, और शुगर केन भी एक प्लांट है, तो हम कह सकते हैं कि शुगर का सोर्स प्लांट है। अब आप इस एक्टिविटी को खुद कीजिए, आपस में डिस्कस करके आप 5 मिनट में सभी इंग्रेडिएंट का सोर्स लिख दीजिए। देखते हैं आप लोगों ने क्या लिखा है। अरे, यह क्या, आपने नमक का सोर्स तो लिखा ही नहीं। क्योंकि हमको नहीं पता कि नमक कहाँ से मिलता है। आप में से कोई ऐसा है जिसका कोई रिलेटिव समुद्र के आसपास के शहर में रहता हो? यस सर, मेरे नाना मुंबई में रहते हैं। आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप अपने नाना से पूछकर पता लगाइए कि नमक कहाँ से आता है, यानी नमक का सोर्स क्या है। ओके सर, मैं आज ही नाना जी से बात करूँगा। और कल की क्लास में आप सबको बताएंगे कि नमक का सोर्स क्या है। ठीक है सर। अब देखते हैं आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के सोर्स क्या लिखे हैं। सर, इस टेबल में सोर्स के कॉलम में तो सिर्फ एनिमल और प्लांट ही लिखा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फूड का सोर्स या तो एनिमल होता है या प्लांट होता है? आपका ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है, फूड हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। अगली क्लास में हम प्लांट से मिलने वाले फूड के बारे में डिस्कस करेंगे।